हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई और बहन पूछते हैं कि ब्रदर, हमें बाइबल समझ में नहीं आता, हम कैसे बाइबल पढ़ें ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन बाद में उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, उसके कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं। यदि आप उस तरीके से बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है ना भाई मेरे प्रियो, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, यदि किसी इंसान की बात किया जाए तो बाइबल से बड़ा कोई नहीं है। सबको बाइबल के अधीन ही रहकर चलना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा प्रोफेट हो, पास्टर हो, या कोई भी क्यों ना हो, सबको बाइबल के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यदि कोई बाइबल पर विश्वास ना करे वो अलग की बात है, लेकिन सबको इस बाइबल के अधीन ही अपना जीवन चलाना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि बाइबल की बातें आपको क्यों नहीं समझ में आ रही हैं। आप कमेंट्स में हमेशा पूछते हैं कि ब्रदर, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, हम जो मांगते हैं वो परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता क्योंकि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जो बाइबल पढ़ते हैं उसको आप ठीक से समझिए, आप उसका गलत मतलब मत निकालिए। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कि आखिर आपको बाइबल यानी परमेश्वर का वचन समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बाइबल जब भी पढ़ें तो आप शुरुआत में प्रार्थना जरूर करें कि पवित्र आत्मा, जो तू मेरे अंदर बसा हुआ है, तो मुझे इस वचन को समझाने की कोशिश कर, हम तेरे अधीन हैं, हम तेरे अधीनगी में जीवन जीना चाहते हैं, तेरे इस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। तो हे प्रभु, तू हमें समझा और हमें बता कि हमें कैसे बाइबल को पढ़ना है और कैसे इसके अनुसार चलना है। इस तरीके से यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा बसा हुआ है आपकी मदद करता है, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं और बाइबल के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों मेरे प्रियो, इब्रानियों अध्याय 5:12-13 जब हम पढ़ते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो 2 साल से 4 साल से या कभी कभी तो 10-10 साल के ऐसे जो प्रभु पर विश्वासी लोग हैं, वो केवल चर्च में आते हैं, जाते हैं, लेकिन बाइबल को ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी तुम बच्चे हो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो तुम उसके जैसे हो, अभी विश्वास में तुमको अब तक अन्न खाना चाहिए, लेकिन तुम तो अभी दूध ही पी रहे हो। मेरे प्रियो, आपको अभी बच्चा नहीं बनना है, आप बड़े हो गए हैं। आप यदि बच्चे बने रहेंगे तो दूसरों को परमेश्वर का वचन कैसे बता सकेंगे, कैसे समझा सकेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसी गलती मत करिए। मेरे प्रियो, आप ये मत भूलिए कि एक मसीह जो होता है ना, परमेश्वर का विश्वासी, वो एक सिपाही भी होता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लगता है तो क्या हो जाता है, परमेश्वर उसे नियुक्त कर लेता है। उसका स्पेशल काम यही होता है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग उसी सिपाही के तरह हैं। अगला वचन कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। यानी जो विश्वासी अभी दूध ही पी रहा है तो उसको तो अभी परमेश्वर के वचन की पहचान ही नहीं होती है,
वो समझ ही नहीं पाएगा कि परमेश्वर का वचन यानी बाइबल क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। अगला वचन है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यह वचन कहता है कि अन्न जो है, जो हम खाते हैं, दाल चावल सब्जी जो भी हम खाते हैं, वो क्या, वो बड़े लोग खाते हैं। दूध पीते बच्चे दूध पीते हैं, तो हमें दूध पीने वाला बच्चा नहीं बनना है, हमें सयाना बनना है, हमें अन्न खाने वाला बच्चा बनना है, ठीक है ना। अब दूसरा वचन है मेरे प्रियो, यिर्मयाह अध्याय 15:16। यहाँ यिर्मयाह लिखते हैं, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया। अब खाने का मतलब ये नहीं कि उसे खा लिया, खाने का मतलब ये है वचन से क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। जैसे हमें अपने शरीर को चलाने के लिए क्या हम खाते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को चलाने के लिए, हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, हमें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना पड़ता है, यानी इसको खाना पड़ता है, चबा चबा कर खाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही ये वचन यहाँ समझा रहा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए हैं, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। मेरे प्रियो, इसके पहले कि मैं आपको बता दूँ, यदि आप बाइबल का वचन कितना भी पढ़ते हैं, कितना भी अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपका पूरा टाइम व्यतीत हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि आपको परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आप एक तरफ से पढ़ते हैं और एक तरफ से भूल जाते हैं, तो आपका पढ़ना और मेहनत करना सारा बेकार हो गया। इसीलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का वचन यानी बाइबल कैसे पढ़ें, किस रीति से पढ़ें, ताकि हमको समझ में आने लगे, ठीक है ना। इब्रानियों अध्याय 4:12 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है ना, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल सिखाता है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है ना। अगर कोई कितना भी पत्थर से पत्थर इंसान हो, जिसके दिल में कभी दर्द ना होता हो, कहते हैं ना इसका कलेजा पत्थर हो चुका है, ये किसी के नहीं सुनता है। ये परमेश्वर का वचन पत्थर से पत्थर कलेजे वाले को भी नरम बना देता है, उसका भी दिल पिघल कर कितना भी बड़ा से बड़ा दुश्मनी क्यों ना हो, रिश्ते में कितना भी गांठ क्यों ना बना हो, वो भी टूट जाता है। तो हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा है। आप जानते होंगे कि बड़े से बड़े क्रिमिनल, बड़े से बड़े नशेड़ी जो इस बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, वो अचानक बदलने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है, यानी उस इंसान को पूरे तरीके से बदल देता है, और पवित्र आत्मा उसको एक नेक और एक अच्छा इंसान बना देता है ना। तो आखिर ये सब कैसे होता है? इसी बाइबल के वचन को अध्ययन करने से, पढ़ने से। मेरे प्रियो, आप जब भी बाइबल पढ़ें तो आप उसका टारगेट मत बनाइए कि मुझे इस टाइम बाइबल पढ़ना है, इस टाइम काम पर जाना है, या अलग अलग तरीके से टाइम टेबल मत बनाइए कि मुझको आज इतना चैप्टर पढ़ के कोई काम करना है। नहीं नहीं, आजकल तो बाइबल आपके फोन में भी मिलने लगे हैं। यदि आप कहीं भी जाएं, ट्रेन में या बस में या कहीं काम पर, आपको जरा सा भी मौका मिले, आप तुरंत बाइबल का वचन खोलकर पढ़ सकते हैं। यदि आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बाइबल को थोड़ा ही पढ़िए, भले ही आप एक ही पेज पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए।
आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके पढ़िए। परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर उससे एक नया मतलब निकाल के देगा। आप नए तरीके से बाइबल को समझ पाएंगे। मैं भी बाइबल ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, थोड़ा सा भी मौका मिला, समय मिला, अपना फोन जेब से निकाला और बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो ज़्यादातर मैं बाइबल को सुनने में इंटरेस्ट लेता हूँ। आप सुनकर भी बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 10 के 17 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, है ना? एक विश्वासी को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए वचन मायने रखता है। यदि उसके कानों से आवाज जाए तो, या फिर वो अपनी आंखों से देखकर पढ़े तो। पढ़ने और सुनने का मतलब ये है कि उसका आत्मिक उन्नत होना चाहिए, वो विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। एक अंधे व्यक्ति के पास मान लीजिए आंखें तो होती नहीं है, वो तो देख नहीं सकता, तो वो कैसे पढ़ेगा? उसको जब तक कोई व्यक्ति सुनाएगा नहीं तो वो सुनकर भी प्रभु पर विश्वास कर सकता है और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात कहूँगा कि आप ऐसे मत सुनिए कि एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। आप इसको मनन करिए, अपने अंदर सोचिए कि ये वचन हमसे क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब निकलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रभु में आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।